हेलो इन्वेस्टर, मार्केट के आपकी जर्नी में आपने ये नाम तो सुने ही होंगे, राधा किशन दमानी या राकेश चुनचुना। बट आप अभी उनके कभी पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में पॉपुलर स्टॉक बहुत ही कम होते हैं एंड मोस्टली लॉन्ग लॉस मेकिंग स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़े इतने बड़े इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर लॉस मेकिंग स्टॉक क्यों सिलेक्ट करते हैं, आइए आज ये जानते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो है। तो इसमें से आप मेजर जो कंपनियाँ देखेंगी जो लॉस मेकिंग है, जिसमें भी हम जानेंगे DHFL है, DP रियलिटी है, रेडिको खतान, स्पाइस जेट, PV18 बॉस्कॉट, VIP18, जेट एयरवेज, करूर वस्त्र बायन आयन एक्सचेंज, HD मीडिया, जियोजित फाइनेंशियल, डेल्टा कॉप, ये सब की मोस्टली ऑलमोस्ट 90% कंपनीज आर लाइक लॉस मेकिंग कंपनीज। एंड अगर आप कुछ अच्छी कंपनी की बात करेंगे, जैसे कि एस्कॉर्ट है, टाइटन है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये बहुत ही मतलब पोर्टफोलियो के हार्डली 5-10% हिस्सा में कुछ प्रॉफिट रहेगा, बाकी सभी कंपनियां लॉस मेकिंग है। सिमिलरली आप मिस्टर राधा किशन दमानी का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनके पास भी मोस्टली अनपॉपुलर स्टॉक्स ही है एंड जो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को पता भी नहीं होंगे एंड मोस्टली लॉस मेकिंग है। तो इसमें देखेंगे प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज, VST इंडस्ट्री, काया, स्पेंसर रिटेल, इंडिया सीमेंट्स, मंगलम ऑर्गेनिक, BF यूटिलिटी, एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स। तो ये काफ़ी लाइक अनपॉपुलर स्टॉक्स है, ऑल्सो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है। रीज़न ये बड़े इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी वो करोड़पति है एंड वो ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जैसे कि जब वो बड़े होके मतलब कुछ टाइम के बाद आगे बढ़ के काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल पकड़े, अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है तो वो मैक्सिमम 1,000, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे तक जा सकता है, तो प्रॉफिट परसेंट कुछ 1000% तक ही होता है। बट ये इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस 2 रुपया 3 रुपया एंड वो आगे जाके स्टॉक्स फिर उनकी भी कैपेबिलिटी होती है कि 1,000, 2,000, 3,000, तो उसमें परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है, ऑलमोस्ट अब 10,000% से भी ज़्यादा कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए ये लोग ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। ऑल्सो अगर इनको लॉस भी होता है, इनकेस उन्होंने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो वर्क नहीं करते, तो इनको इतना नुकसान भी नहीं होता क्योंकि दे आर ऑलरेडी अ मिलियनेयर बिलियनेयर। पर अगर हम अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, मार्केट में नए हैं, तो हम लोग ने मोस्टली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें जाना चाहिए। ऑल्सो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमें चेक करनी चाहिए कि हम 10,000 गवा सकते हैं मार्केट में, 5,000 गवा सकते हैं या 500 गवा सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। एंड ये बड़े इन्वेस्टर का यही फंडा होता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। जैसे कि आप टाइटन का ही पता होगा, टाइटन जब तो राकेश झुनझुनवाला ने लिया था तो उसकी वैल्यू 3 रुपीज़ थी एंड इट वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी। और अभी आप देखेंगे टाइटन को टाटा ने एक्वायर करने के बाद अभी कुछ 1700 में चल रहा है, तो वही उनका मतलब एक दो स्टॉक उनके पूरा पोर्टफोलियो को हरा भरा कर देता है। दैट इज़ दी एडवांटेज ऑफ लाइक टेकिंग सम रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। सो आई होप आपको ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।